सर्वधर्म संभाव हम सब एक है का संदेश देने विगत 4 वर्षों के जुनून को पूरा करने मुंबई मलाड़ के निवासी बाइक राइडर अख्तर पटेल भारत के हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई के धर्म चिन्ह को भारत के नक्शे पर उकेरने बाइक राइडिंग पर निकले। जानकारी देते हुए स्वयं अख्तर ने बताया कि अपने धर्म के प्रतीक 786 बनाने के बाद एक बार पुनः भारत के नक्शे पर बनाने के लिए उन्होंने ये यात्रा 15 अक्टूबर को रवापुर गुजरात से बाइक द्वारा राइड पर निकलने 5 नवंबर को महियर कटनी में 9786 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। उनकी अगली यात्रा ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह क्रॉस को बनाएगी, जो जितनी आसान दिख रहा है उतना ही मुश्किल है। इस दौरान अपने सम्मान से अभिभूत बाइक राइडर अख्तर पटेल ने थानला के युवाओं को प्रेरित करते हुए थानला के युवाओं को बाइक राइडर बनने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने नगर के बाइकर्स को कहा कि जान है तो जहान है, हेलमेट पहनने की प्रेरणा भी दी। HL24 न्यूज़ के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। मेरा शौक नहीं था, लेकिन एक मेरा भाई है छोटा, उसने बोला कि अपन राइड करते हैं। फर्स्ट राइड मैंने नैनीताल की थी, उसके बाद जो शौक और जुनून बढ़ा है तो मैंने उसके बाद लद्दाख किया है, मसूर किया है और चक्राता किया है। मतलब ये सब घूम के आया हूँ मैं, उसके बाद आगे भी राइड करना चाहता हूँ मैं। और कल अख्तर भाई से जो हमको मिली है वो हम वैसा भी कुछ करना चाहेंगे और इनके सदैव संपर्क में रहेंगे हम। बिल्कुल अमीन भाई कुछ कहें इस बारे में। और ये जो एक राइट के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते हैं सर्व धर्म सम्मान का, ये वाकई में बहुत अच्छा मैसेज है और इस वक्त में हमें इस मैसेज की बहुत ज़रूरत है। और ये आसान नहीं है कि एक महीने में 9000 किलोमीटर का सफ़र करना बाइक से या 8000 किलोमीटर का सफ़र 24 दिन में करना, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके अख्तर भाई को बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो अपने देश की जो हालात है धर्मों को लेके और जातिवाद को लेके, उसके लिए मैंने एक राइड प्लान की हम सब एक है, जिसमें सब धर्मों के चिन्ह जो बाइक चलाते हुए मैं बनाने वाला हूँ और जिसमें 786 ओम क्रॉस एक ओंकार। मैं 786 2017 में कंप्लीट की और ओम मैंने अभी 5 तारीख को मैहर में कंप्लीट की, 15 तारीख को मैंने गुजरात से स्टार्ट की थी रवापर से और मैहर में वो कंप्लीट की। 22 दिन टोटल में बाइक चलाई, 7317 किलोमीटर की मेरी राइड थी और बहुत अच्छी राइड थी। ओम मेरा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट अभी मेरा क्रॉस और एक ओंकार का रहेगा। उनके लिए मैं महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट से गुजरा हूँ। रस्तों का सामना करना पड़ता है, फिर मेरे बाइक का टायर पंचर हो गया था 2 बार, उसका ये करना पड़ता है। बाद में फिर जो सामने से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं जो सेफ्टी से नहीं, अपने जो यातायात के जो नियम है उनको पालन करके नहीं चलाते हैं, तो उसके लिए अपने वो केयर करना पड़ता है। वो कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी घुसते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। मेरे हिसाब से वो लोग अगर ये चीज़ का पालन करेंगे तो अपना जीवन बचा सकते हैं और दूसरों का भी बचा सकते हैं। तो जितनी भी यात्रा की है 786 और ये 786 तो मैंने साउथ और उत्तर ज़्यादा की और ये मैंने MP राजस्थान इधर की, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कहीं पे भी कि मैं घर से बाहर निकला हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं घर में ही हूँ। आप समझ सकते हैं ये जितने भी जो धर्म और इसका जो होता है जातिवाद का, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे होता है। मैं खुद हर गांव में, छोटे छोटे गांव में जाके आया हूँ, मैं बड़े गांव में बड़े सिटीज़ में जाके आया हूँ, लोगों से मिला, लोग मुझे मिले। जब उनको पता चला कि भाई मैं ऐसा हम सब एक एक का नारा लेके मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, तो वो लोग खुशी से मेरा स्वागत कर रहे, प्लस मेरे को खाने के लिए घर में खाना खिला रहे, घर में रहने के लिए दे रहे, चाय नाश्ता ये सब पूछ रहे। आप खुद सोचो कि कैसे होएगा अपने इंडिया, इतने अपने इंडिया के अंदर जो जनता है इतने अच्छे है ना, कि ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं घर के बाहर था इतना दिन, मुझे लगा कि मैं अपने घर में ही हूँ। अलियन बाइक है और इसमें मेरे राइड के सहूलियत के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें लगाई है, जैसा कि ये जेरी कैन है जो एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चलते हैं, फिर ये LED लाइट्स लगाई है, रात को मुझे रास्ते कभी नाइट राइड करना हो तो काम आता है। सिग्नल लाइट्स मैंने एक्स्ट्रा किए, इसमें भी सिग्नल लाइट्स है, इसमें भी है। फिर GPS माउंट मैंने बनाया है जो मेरे को GPS का नेविगेशन चेक करने के लिए हो, और इसमें मैंने चार्जर्स लगाए हैं।